सोनी टीवी की सीरियल पुण्यश्लोक अहल्याबाई जो कि जनवरी 2021 से चल रही है और लोगों के दिलों में घर कर गई है। आज इस वीडियो में हम आपको पुण्यश्लोक अहल्याबाई सीरियल के एक्टर के रियल लाइफ पार्टनर के बारे में बताने वाले हैं। अहल्याबाई होलकर का रोल करने वाली एक्ट्रेस एतासा संसगिरी के रियल लाइफ पार्टनर की बात करें तो एक्ट्रेस अभी सिंगल है और एक्ट्रेस अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हुए अपने सेट से अपनी प्यारी सी ग्लिम्प शेयर करती रहती हैं। सूबेदार मल्हार राव होलकर का रोल करने वाले एक्टर राजेश श्रृंगारपुरे के रियल लाइफ पार्टनर की बात करें तो उनकी वाइफ का नाम डिम्पल श्रृंगारपुरे है और ये रही ये कपल की प्यारी सी तस्वीरें। खंडेराव होलकर का रोल करने वाले एक्टर गौरव अमलानी के रियल लाइफ पार्टनर की बात करें तो एक्टर अभी सिंगल है। क्वीन गौतमाबाई होलकर का रोल करने वाली एक्ट्रेस स्नेहलता वशाईकर के रियल लाइफ पार्टनर की बात करें तो उनके हस्बैंड का नाम गिरीश वशाईकर है और ये रही ये कपल की प्यारी सी तस्वीरें। हरकूबाई शाहिम होलकर का रोल करने वाली एक्ट्रेस शनिका गोडगिल के रियल लाइफ पार्टनर की बात करें तो एक्ट्रेस अभी सिंगल है। द्वारकाबाई साहिब होलकर का रोल करने वाली एक्ट्रेस शुक्डा खांडकेटकर के रियल लाइफ पार्टनर की बात करें तो उनके हस्बैंड का नाम अभिजीत खांडकेटकर है। ये कपल ने साल 2013 में शादी की थी। ये रही ये कपल की कुछ साथ की प्यारी सी तस्वीरें। बानाबाई साहिब होलकर का रोल करने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री हालवे के रियल लाइफ पार्टनर की बात करें तो उनके हस्बैंड का नाम निखिल हालवे है और ये रही ये कपल की प्यारी सी तस्वीरें। सीरियल में यमुना बाई का रोल करने वाली एक्ट्रेस अंजलि उजवाने के रियल लाइफ पार्टनर की बात करें तो उनके हस्बैंड का नाम विकास उजवाने है और ये रही ये कपल की प्यारी सी तस्वीरें। सीरियल में रेनू का रोल करने वाली एक्ट्रेस मधुरा जोशी के रियल लाइफ पार्टनर की बात करें तो एक्ट्रेस के हस्बैंड का नाम गुरु दिवेकर है। ये कपल ने साल 2020 में शादी की थी। ये रही ये कपल की साथ की तस्वीरें। रखमाबाई होलकर का रोल करने वाली एक्ट्रेस आकांक्षा पल के रियल लाइफ पार्टनर की बात करें तो एक्ट्रेस अभी सिंगल है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।